हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज मैं आपको जो रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है उसकी एक्टिविटी शीट 33 करवाने जा रहा हूँ। और ये SCERT की तरफ से है, और जो हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है ना, उसमें ये क्लास 6 से लेकर 8 क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और ये 25 फेब की है, और यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पर आपको नेम ऑफ द टीचर लिखना है। और मैं आपको बता दूँ, ये मैथ सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है। अगर आप मैथ्स की कॉपी अगर आपने बना रखी है तो उसमें करेंगे, नहीं तो जो भी अपनी कॉपी बना रखी है सब्जेक्ट आप उसमें मैथ्स लिख देंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको कॉपी पर एक क्वेश्चन ये वाला करना है और एक ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर आंसर आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इन अ क्लासरूम द टीचर पुट सम कलर्ड प्लास्टिक बॉल्स इन अ बास्केट। देखिए, टीचर है, इन्होंने क्या किया कि एक बास्केट के अंदर कुछ कलर्ड प्लास्टिक बॉल्स को बास्केट में रख दिया, पुट मतलब रख दिया, ठीक है। अब प्रभजोत, टीचर बोल रहे हैं, प्रभजोत ब्रिंग 4 बॉल्स फ्रॉम द बास्केट, इससे 4 बॉल्स निकालिए। तो प्रभजोत ब्रॉट 4 बॉल्स, उसने 4 बॉल निकाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद रति, नाउ यू ब्रिंग 9 बॉल्स फ्रॉम द बास्केट। अब रति को टीचर क्या बोल रहे हैं कि आप इसमें से 9 बॉल्स निकाली, तो 9 निकाल दी। फिर टीचर ने मीनल को बोला, ये मीनल है, ठीक है, मीनल कैन यू ब्रिंग 0 बॉल्स फ्रॉम द बास्केट। अब मीनल गॉट कंफ्यूज एंड सेड नो। मीनल तो कंफ्यूज हो गई, अरे एक बॉल निकाल सकती हूँ, 2 बॉल निकाल सकती हूँ, 3 बॉल निकाल सकती हूँ, अरे 0 बॉल्स कैसे निकाले। तो टीचर अब क्या बता रहे, सुनिए, वी कैन काउंट 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स। देखो, जब एक है तो ऑब्जेक्ट, जब बहुत सारे होते हैं ना तो एस लगा देते, प्लूरल बन जाता है ना। तो टीचर कह रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं, हम 2 ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, बट वी कैन नॉट काउंट 0 ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हम 0 ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं कर सकते। मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी थिंग एंड सो कैन नॉट बी काउंटेड। अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। आप स्कूल के अंदर जब बोलते हैं ना, प्रेजेंस सर, एब्सेंस सर, वही एब्सेंस है, मतलब अनुपस्थित, उस चीज़ का ना होना। क्लियर हो गया। कैन मतलब होता है सकता, ठीक है, संभावना, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है। चलो, अब आपको मैं बता दूँ, आपको एक क्वेश्चन ये वाला करना है, ये करना है, ये क्वेश्चन देख लो, अब आंसर के साथ हम करेंगे, ठीक है। देखिए, टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। देखिए, अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ बोला गया, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू से 0 इन योर मदर टंग। आपको जो है वो ट्राई करना है और ये पता लगाना है कि जो 0 है ना, उसको आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है 0, 0 बोलते हैं। फिर हाउ डू यू स्पीक राइट डिजिट एंड नंबर इन योर मदर टंग। आप उस नंबर को बोलते या लिखते कैसे अपनी मदर टंग में, तो आप ये लिख देंगे, 0 बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया, क्लियर हो गया, आपको 0 बना देना है। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, ये कह रहा है फिल द फॉलोइंग टेबल्स एज शोन। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसको आपको फिल करना है। जैसे एक कौन सा नंबर पर आता है, 1, ये लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे हिंट दे रखी है, ऐसी पूरी फिल कर देनी है। जैसे W आता है 23, तो 23 लिख दिया, ये आंसर किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखा दिए थे, फिर भी आंसर और क्वेश्चन के साथ दोबारा दिखाता हूँ मैं, ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नाउ फाइंड द सम ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ योर नेम। जो भी आपका नाम है ना, उसका आपको सम करना है उसके अल्फ़ाबेट का, ठीक है। और आपको अपने फ्रेंड्स के भी अल्फ़ाबेट का जो नेम है ना, उसका सम करना है। तो जैसे आपका नाम अमर हो गया, तो जो आपका नाम है वो आप लिखें, टोटल करने पे 33 आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही आप अपना और अपने फ्रेंड का नाम लिखें, उनके अल्फ़ाबेट का टोटल करके यहाँ लिख दें। जैसे
आर 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, यहाँ से देख के, यहाँ से देखना है, ए 1 नंबर पे और एन 14 पे, तो ऐड करेंगे 47 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे यहाँ पे नाम जो है वो लिख दिए। क्लियर हो गया आपको? अब ये जब आप कर लेंगे तो फिर आपको ये बताना है, डू द नेम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैज ऑलवेज द ग्रेटर सम। ये कह रहा है कि अगर क्या हमें ऐसा हो रहा है कि अगर बड़ा नाम है तो उसका जो टोटल आ रहा है वो हमेशा बड़ा आ रहा है, नहीं है ना? देखो रिया में 4 अक्षर आ रहे हैं, है ना, लेकिन इसका टोटल करने पे 53 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए क्या लिखना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी पढ़ के बता दिया, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है, कि डू नेम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फाबेट हैज ऑलवेज अ ग्रेटर सम एंड डिस्कस इट विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट। तो आपको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है कि अगर कोई अल्फाबेट में किसी का नाम बड़ा है तो उसको टोटल करने पे बड़ा आएगा, तो आप लिखेंगे नो, ठीक है, फिर आप यहाँ पर एक कॉमा लगा देना, ठीक है, कॉमा, द नेम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैज नॉट ऑलवेज अ ग्रेटर सम, कि भाई नहीं भी ऐसा नहीं होता। फिर हमने लिखा है कि वी सी इन द एग्जांपल, हम ऊपर के एग्जांपल में देखते हैं कि रिया हैज 4 लेटर्स बट यहाँ पे इट आएगा, बट इट इज 53 विच इज मोर देन द टोटल ऑफ रमन एंड वीना, ठीक है, जो रमन और वीना के टोटल से ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पूरी वीडियो समझा दी है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।